सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रियलमी 6 के बारे में। तो रियलमी 6 के बारे में बहुत ज़्यादा लीक्स यहां पर निकल के सामने आ रहा है। ये जो स्मार्टफोन है रियलमी का 6, ये बताया जा रहा है कि फेब के मंथ में ही लॉन्च होगा, लेकिन अभी तक डेट तो आया सामने नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मार्च के मिड तक यह स्मार्टफोन तो 100% कन्फर्म है कि लॉन्च हो ही जाएगा, क्योंकि अभी Realme 6 के बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन लीक्स निकल के सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि Realme के 6 में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ नज़र डालें तो बताया जा रहा है कि जो Realme का 6 आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा MediaTek का G90 वाला चिपसेट। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, Redmi के Note 8 Pro में मिलता है MediaTek का G90T, इसमें आपको मिलेगा G90, इसमें आपको लास्ट में T देखने को नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि Redmi के Note 8 Pro में जो G90T मिलता है, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर आपको Realme के 6 में देखने को मिलेगा। साथ में ये स्मार्टफोन Android 10 के साथ आएगा, ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android का 10 मिलेगा और आपको Realme का UI प्री इंस्टॉल यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब ये बोलना छोड़ना पड़ेगा कि प्री इंस्टॉल मिलेगा, क्योंकि अब जितने भी Realme के स्मार्टफोन आएंगे उन सभी में आपको Realme का ही UI देखने को मिलेगा। इस फोन में बताया जा रहा है कि आपको पेंटा कैमरा का सेटअप मिलेगा। तो पहले Realme 2 कैमरा दिया, फिर 3 कैमरा दिया, फिर 4 कैमरा दिया और आप 5 कैमरा दे रहा है। मुझे इतना ज़्यादा कैमरा से कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप कितना भी कैमरा दे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर 2 कैमरा से ही काम चल जाते तो फिर उतना कैमरा देके यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, और वो भी जो एक्स्ट्रा सेंसर वो लोग देते हैं वो 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल, इससे कुछ होता नहीं है। जिस तरह से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, आजकल हर एक फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 5 मेगापिक्सल का देता है, और 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब अल्ट्रा वाइड एंगल के अल्ट्रा एक लार्ज सेंसर चाहिए, उसमें आप लोग 2 मेगापिक्सल का सेंसर देते हैं, उससे वो लोग कितना मतलब ग्रुप का फोटो ले सकते हैं। तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आता है उसमें एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल का आपको जो सेंसर है वो देना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फोटोज आप लोग ले सकते हैं। लेकिन 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल इससे कुछ होता ही नहीं है। तो बस ये एक गिमिक आप लोग मार्केट का बोल सकते हैं कि मार्केट के गिमिक के लिए यहाँ पर कंपनीज ऐसा काम कर लेता है। तो Realme के 6 में आपको पेंटा कैमरा का सेटअप मिलेगा, जो कि थोड़ा फनी है। मतलब क्या बोले यार, इतना ज़्यादा कैमरा मतलब बिल्कुल भी मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं है। हाईएस्ट 3 कैमरा बस, इससे अच्छा और कुछ नहीं। 3 कैमरा दे दे काम चल जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि सैमसंग का S20 सीरीज आया, वहाँ पर आप लोगों को 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। हाँ, जो अल्ट्रा है उसके अल्ट्रा मॉडल में कुछ आपको एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, लेकिन सैमसंग के S20 और S20 Plus में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है, और उसमें से जो प्राइमरी सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का। और आजकल के कुछ स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल, और सैमसंग ने 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, लेकिन वो टेलीफोटो जूम लेंस के लिए दिया है, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का नहीं है। तो देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर देता है, और छोटे ब्रांड नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो ब्रांड्स है वो अपने बजट के स्मार्टफोन में 108 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर देना स्टार्ट करने वाला है। तो पेंटा कैमरा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, डिज़ाइन भी उतना कुछ खास नहीं होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन फेब के मंथ में आएगा, 10,000 के नीचे इस फोन की प्राइसिंग होने ही वाला है। और MediaTek का G90T काफ़ी अच्छा चिपसेट है, G90T नहीं होगा, G90 होगा। तो देखते हैं कि G90T से कितना डिफरेंट होगा और कितना इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो निकल के सामने आता है। तो ये पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जिसमें आपको G90 वाला चिपसेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या आप लोग Realme के 6 के सीरीज के लिए एक्साइटेड है? मैं तो 6 प्रो के लिए वेट करूंगा, क्योंकि 6 प्रो काफ़ी अच्छा होगा, 6 भी अच्छा स्मार्टफोन होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतना कैमरा ना दे यार, 3 कैमरा ही बहुत है, या फिर 4 कैमरा, उससे ज़्यादा कैमरा सेंसर ऐड करने में क्या मजा है पता नहीं। आप तो 2021 में शायद आपको 6 कैमरा वाला भी स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे ख्याल से बेकार रहेगा। तो प्लीज़ अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।